वेरी गुड मॉर्निंग। नाश्ता ले आया फिर है? वेरी नाइस। चलिए हम लोग गुरु वंदना से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ प्लीज। थैंक यू। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए एंड जस्ट बी विद योर सेल्फ। एक लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। गुरु वंदना करते हैं। साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे आंखें खोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे टू। चलिए खड़े हो जाइए। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 clap 3 4 clap 1 2 clap hard 3 4 clap hard 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
One, two, three, four. 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 One, two, with a smile. Three, four, with a smile. One, two, three, four. One, two, smile. Three, four, smile. One, two, smile. Three, four, smile. One, two, three, four. 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 Side by side. One, two, three, four. 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 And change. अभी क्या करेंगे, जो लोग जंपिंग जैक्स कर सकते हैं यूं कूद के वो जंपिंग जैक्स करेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते हैं नीज के इश्यूज, हिप के, लोअर बैक के, वो क्या कर सकते हैं, देखिए पैरों को फैला के सिंपल मूवमेंट कर सकते हैं, कभी दाएं पैर पे आए कभी बाएं पैर पे, दोनों हाथ ऊपर यूं। जिन लोगों को इश्यूज हैं, जो लोग कर सकते हैं वो कूदें बंदर की तरह जंपिंग जैक्स, ठीक है, गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट।
Jump. Keep jumping. Twist. ये तो सब कर लेंगे. Jump. And keep jumping. And relax. चलिए शरीर को उठाएंगे दाएं से बाएं कि आपकी ये साइड वेस्ट खींचे अच्छे से. चलिए. वाओ परफेक्ट. आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं. हमारी तो शादी होगी. पता चल गया कोई तारे तूरे नहीं टूटते. जोश जोश में कहते थे मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा. उसी बात का पछतावा होता है. वाह परफेक्ट. कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग. खूब खोलिए शरीर को दाएं से बाएं. एंड रिलैक्स. चलिए थोड़ा सा स्पाइन को भी ट्विस्ट कर लेते हैं. गुरुजी थोड़ा और आगे हो जा. बिल्कुल एज पे चला जा. मैट भी ले ले. मैट ले ले ना. मैट आगे कर ले. और आगे कर ले. और आगे कर ले. हाँ दैट्स वेरी. आज शर्मा जी अग्गे हो जो. प्लीज आप भी आगे आ जाइए. चलिए स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इस तरह से. हाँ यस कीप गोइंग. साइड में देखिए और पीछे से. इट्स वेरी सिंपल. स्पाइन को मूवमेंट देते हुए एंड रिलीज. रिलैक्स. बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर. वेरी नाइस. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. श्वासों को स्थिर कर लें. नाक से श्वास लें. मुख से हा की आवाज करते हुए खाली करते रहें जब तक श्वासें स्थिर ना हो जाएं. शर्मा जी ठीक चल रहा है उधर क्या? जूम वही लिंक है. वही लिंक है. सेम लिंक चेक कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट विद ग्रीवा संचालन. तो गर्दन से ही करते हैं हम लोग स्टार्ट. श्वास लेते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे. फिर श्वास लेते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे. पीछे आगे. पीछे आगे. कीप मूविंग. तो हो सके तो आप भी एसी पंखा बंद करके खुली हवा में करें. एंड लास्ट राउंड. रिलैक्स. गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएंगे. जब दाईं ओर लेके जाएं तो एक्सट्रीम पीछे की तरफ देखें राइट साइड. फिर लेफ्ट साइड जाएं. अगेन राइट देन लेफ्ट. कीप मूविंग. और देखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं. अगर नहीं है तो उसे सीधा करें. मेक योर स्पाइन इरेक्ट. और कंधों को ढीला छोड़ें. इसमें
बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, दैट्स वेरी नाइस। एंड रिलैक्स। चलिए धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं, पूरा झुक जाएं, वेरी नाइस। धीरे धीरे वापस इसी तरह से राइट साइड, वापस एंड लेफ्ट साइड, वापस साइड की तरफ जाते हुए एक हाथ से और दूसरा हाथ ऊपर से उलाते हुए साइडवेज को। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आप तो योगी लग रहे हैं, सिद्ध संत लग रहे हैं सब लोग। एंड धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ, एंड रिलैक्स वापस राइट साइड ऑफ योर टेम्पल। गर्दन को अकड़ाते हुए दाहिनी ओर, मतलब राइट साइड से कनपट्टी के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखते हुए और पुश करते हुए धकेलते हुए एंड रिलैक्स लेफ्ट साइड। वाह, आप चाहें तो मुस्कुरा भी करके भी कर सकते हैं, इतना कोई गंभीर मामला नहीं है। वाह परफेक्ट, हाथों को इंटरलॉक करें, सर को ऊपर की तरफ और माथे पे रखें दोनों हथेलियों को। प्लेस योर पाम ऑन योर फोरहेड, स्पर्श को महसूस करते हुए अपना पूरा ध्यान श्वासों के साथ या शरीर में हो रही संवेदनाओं के साथ करके चेंज। शर्मा जी ऑडियो वीडियो क्लियर है उधर? ओके थैंक यू। तो कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं हम लोगों को, शर्मा जी को थैंक यू बोलना पड़ेगा, अग्रिम भी था, तन्मय भी था, कृति, एक दो के तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। एंड चेंज पीछे की तरफ, बैक योर हेड, बैक ऑफ योर हेड, सर के पीछे की तरफ ले जाएं। दैट वॉज वेरी नाइस। कल लगभग डे फर्स्ट में लगभग 250 लोगों ने योगा किया, तो इट्स अमेजिंग, कितना अच्छा है ना। 200 लोग जुड़े अपने साथ, अपने साथ और किसके साथ जुड़ने हैं। एंड चेंज 200-250 लोग अगर जुड़ गए एक दिन में अपने साथ में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपनी वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने इनिशिएटिव लिया, हैट्स ऑफ टू यू। एंड चेंज एक हथेली ऊपर एक नीचे, हथेलियों के निचले हिस्से को आपस में मिलाएं और दबाएं जोर से। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और गर्दन को सीधा रख के करें, नहीं तो आमने सामने रख लो यार। उधर दो बच्चे बैठे हैं तो कभी उसको देख लेते, कभी उसको देख लेते, आपस में वैसे गर्दन में दर्द आ जाएगा। चेंज यस, फिंगर्स की कुंडी बनाएं और खींचें जोर से, जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं, दूसरी तरफ पूरे जोर से। एंड पीछे, तो हम लोग यहां पंखा नहीं चला रहे हैं, जहां हम लोग योगा सेंटर में, आर्ट ऑफ लिविंग ज्ञान मंदिर में जहां हम लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पसीना आए आदमी को ना, तो ताजी हवा ले आदमी। एंड चेंज
विद द फ्लो, एक से दूसरे में ट्रांजिट करते हुए धारा प्रवाह की तरह एक से दूसरे में. कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग. एंड चेंज अंदर की तरफ. एंड चेंज. चेंज. आप चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं. लाइफ इज ए चॉइस, चूज वाइजली. दो चीजें आपके हाथ में नहीं है, एक तो आपका जन्म और एक मृत्यु. उसके बीच में जो खेल है वो आपके हाथ में है. कभी कभी नहीं भी है. कभी कभी उसके हाथ में भी हो जाता है. गेम है तो ही. वाओ कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग. फिर से आहा, वेरी नाइस. यो वाओ परफेक्ट. एंड रिलैक्स. फिंगर्स को खोल दीजिए जितना आप खोल सकते हैं. वाइड ओपन करें, मुट्ठी बंद करें जोर से, फिर खोलें. वाइड ओपन करें और खोलें. हथेलियां अपनी ओर खींचते हुए फिर बंद करें, खोलें. बंद करें, खोलें. बंद, खोलें. बंद, खोलें. बंद, खोलें. बंद, बंद ही रखें. चल रोटेट करो. तो ऐसे बीच बीच में चीटिंग होती रहेगी. आपको सजग रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी मेक अवेलेबल योर सेल्फ हियर. तो आपको बार बार यहाँ रहना पड़ेगा. आह वेरी नाइस. ऊपर नीचे. वाओ परफेक्ट करते रहें. देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान. बिल्कुल हिलता नहीं इंसान. एंड चेंज. धीरे से पीछे की तरफ जाते हुए इस तरह से. एंड शेक योर हैंड. लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ते हुए और लेफ्ट साइड लेके आते हुए पूरी तरह से. परफेक्ट. वेरी नाइस. बार बार आपका मन आपको बोलेगा कि छोड़ यार, रहन दे, छोड़ दे. बार बार याद दिलवाओ अपने संकल्प को. ठीक है. और मन से परे जाओ. श्वासों के साथ जुड़ो, शरीर के साथ जुड़ो. बार बार इस भटकन अटकन लटकन को छोड़ दो. एंड चेंज. वाओ कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग. दूसरी तरफ. एंड चेंज. तो आज तो जितने लोग हमारे साथ में यहां पे हैं उनके लिए खुशखबर है. इतने आलू बुखारे हैं, खा लेंगे सारे. हाँ तो आज आलू बुखारे मिलेंगे आपको. जो लोग साधना के बाद तक रुके रहेंगे, घर के आलू बुखारे ऑर्गेनिक. तो गुरजीत आज ले ही आया आलू बुखारे. हैंड चेंज. 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 तो कल भी हम लोगों ने 100 से ज्यादा मूवमेंट्स किए. काउंट करने चाहिए ना. आज बच्चों को लगाता हूँ, काउंट करेंगे ये कितने मूवमेंट्स करते हैं हम लोग एक दिन में. आई थिंक 100+ तो है ही है, ये तो पक्का ही है, कन्फर्म है. 100 से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं आप लोग. और मेरे को लगता है कि
एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, बट 1000 कैलोरीज आप बर्न कर लेते होगे अगर आप पूरा इंटेंसिटी के साथ करते होगे, एंड इट इज़ वर्थ इनफ। बहुत अच्छा है इस तरह से पसीना बहाना एंड चेंज। और रिसर्च भी ये बताती है, कितने ही देशों में रिसर्च हुई हजारों लोगों पर, जो लोग 1 घंटे एक्सरसाइज करते थे, पसीना बहाते थे, उनको कोरोना नाम की बीमारी ने छुआ तक नहीं। कैन यू इमेजिन, छुआ तक नहीं, चाहे उन्होंने कोई मास्क लगाया नहीं लगाया तब भी। एंड चेंज एंड चेंज, क्योंकि ये क्या पता, ये तो कौन सा पहला वायरस है दुनिया का, ना जाने कितने वायरस आएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को रोबस्ट बना लीजिए फिजिकल एक्टिविटी करते करते। वेरी गुड, नवीन भी आ गया हमारा। एंड चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 200 से ज़्यादा ही होंगे भाई, ये 50-60 तो यही हो जाते हैं, 300 हो जाएंगे मेरे को लगता है ना। एंड चेंज, एक ऊपर एक नीचे, यस। तो ये सारी कंधों की एक्सरसाइज है, एक हफ्ते में तो दर्द सारे गायब हो जाएंगे। वो सब लोगों को डाइट प्लान मिल गया, जो लोग यहां पे है जिनको नहीं मिला हो तो मेरे को पिंग कर दीजिएगा, भी 21 डेज में हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो हल्का खाएं, जो भी जल्दी पच जाए, आधा कच्चा खाएं आधा पका हुआ खाएं थाली के अंदर। एंड चेंज, और रात का खाना 7 बजे तक खा लें, 10 बजे तक सो जाएं, और बस सुबह जल्दी उठ जाएं। जो लोग नहा के आ सकते हैं नहा के आएं, और जो लोग नहीं नहा के आ सकते हैं वो भी नहा के ट्राई करें। और जो लोग नहीं ट्राई कर सकते वो थोड़ी और ट्राई करें। यही जीवन है ना, कीप ट्राइंग एंड ट्राई जस्ट डूइंग नथिंग। या तो आप करते हो काम को या नहीं करते हो। एंड रिलैक्स, गर्दन को झुकाएं दाएं कंधे पर, दाया हाथ उठाएं, गर्दन को थोड़ा और नीचे लेके जा सकते हैं तो जाएं, बाया हाथ लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट शोल्डर, और थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दें। मैं भूल जाता हूँ हमारे साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, सो हैव टू स्पीक इन लिटिल बिट इन इंग्लिश। एंड चेंज, दूसरी तरफ। तो हमारे साथ कुछ सिद्ध पुरुष हैं, संत जन है, वो भी योगा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे सिद्ध संत भी हमारे साथ में साधना कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है जी, आपका स्वागत है। कल बच्चों ने मेरे को फीडबैक दिया कि कुछ साधु महाराज भी योगा कर रहे हैं हम लोगों के साथ में, तो सर ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे साथ हैं। आप सभी सिद्ध संत हैं जी, सिद्ध योगी हैं, बस थोड़ा सा भूल गए हैं हम लोग अपने आप को। बस रहन दे छेड़ना पखे नू, ए बिल चुकाए नहीं जाने। देखो जिसने पंखा चलाना है ना, 500 रुपये शर्मा जी को दे दो, अपना बटन दबा लो, बात खत्म। सीधी सी बात, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपना, पर रुपये 500, पूरा नोट 500 दा शर्मा जी कोले। कीप मूविंग। तो हम लोग यहाँ योगा सेंटर में पंखा नहीं चला रहे हैं, तो शर्मा जी बोल रहे थे कि योगी तो बनी गए हैं तप कर रहे हैं, पंखा तो आप चलाने नहीं देते। तो जिसने पंखा चलाना वो बोल रहे हैं 500 रुपये दे दे वो आदमी। एंड रिलैक्स। तो अभी क्या करेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से शोल्डर ब्लेड्स को मिलाएंगे, और जब मिल रहे होंगे ना, वाइड ओपन होगी चेस्ट, तब एक्सहेल करते जाएंगे फोर्सफुली अच्छे से,
यहां पे आके एक्सहेल हो आपका, ताकि जब वाइड ओपन हो तो वो खुले, लंग्स खुले आपके अच्छे से। और दूसरा प्रिकॉशंस क्या रखना है, कुछ लोग यूं ही करते रहते हैं तो एक कंधा ऊपर हो जाएगा एक नीचे स्पाइन में, तो एक बार यूं गए दूसरी बार दूसरा हाथ ऊपर, मेक श्योर आप चेंज करते रहें इसको। राइट, लेट्स स्टार्ट। और आपके टॉम एंड जेरी बाहर आ जाएं, आपकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाए नाक से कुछ, तो अपना रुमाल उठाएं, साफ कर लें, आप ही की संपत्ति है, बहुमूल्य आइसक्रीम खा के, दूध पी के, दही खा के निकाला होगा वहां पे सामान। होम प्रोडक्शन है ये, कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वाह। एंड रिलैक्स। चलिए इस तरह से स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ, फिर से राइट साइड। तो आपको उल्टा ही दिखाई दे रहा होगा, जब मैं राइट जा रहा हूंगा तो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा। दूसरी तरफ, पर आपका राइट तो आपके राइट में ही है ना, कैमरा का तो उल्टा हो सकता है। वाओ परफेक्ट, साइडवेज में खिंचा हुआ है, बस इतना सही करना है हम लोगों को और कुछ नहीं। परफेक्ट, कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और जिन लोगों को लगता है कि लोअर बैक में इश्यूज हैं, करते रहिए सर, एक हफ्ता तक करके देखिए, दर्द गायब ना हो जाए तो फिर ये का विज्ञान ही क्या, इसका कमाल ही क्या। और हम लोग किसके लिए ग्रेटफुल हो, मैं करवा रहा हूं तो मेरे लिए, वो मेरे को जिसने सिखाया मैं उसके लिए, उनको जिसने सिखाया वो उनके लिए, तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है इन सबके लिए हम लोगों को कृतज्ञ होना पड़ेगा। ना जाने किसने पहले सीखा फिर किसी को सिखाया, ऐसे ही आप लोग अब सीख रहे हैं, कल सिखाएंगे लोगों को। तो पहला चीज है स्वधर्म, खुद की रक्षा करना, फिर दूसरी चीज आती है परोपकार, दूसरे को सिखाना, उस रास्ते पे लेके आना। ये बड़ा दुर्लभ है, तो आदमी खुद ही फंसा पड़ा हुआ है बेचारा। तो जो जिस पे गुरु कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, वो थोड़ा जागा और उसने दूसरे को भी जगाया। एंड चेंज। तो आप भी जगाइए, दो चार लोगों को मैसेज कीजिए, जैसे 250 लोग कर रहे हैं तो कल 500 लोग करें, वो 200-250 लोग आपकी वजह से आए। मेरे को लगता है ज्यादा लोगों ने किया होगा, क्योंकि हो सकता है जूम पे और YouTube पे एक से ज्यादा लोग करते हो एक कैमरे पे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। और इस तरह के मूवमेंट्स हम लोग कम ही करते हैं कि जो आप ना कर पाए। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ टफ मूवमेंट्स हम लोग करते हैं, उसका कारण है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती होगी इतना करने से, इससे ज़्यादा चाहिए होता है उन लोगों को, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। चलिए ढीली बंद मुठियाँ कंधों के आगे विपरीत भस्त्रिका करेंगे इस तरह से। देखिए आपकी एल्बो यूँ खुल जानी चाहिए पूरी यूँ, जब आप करें तो यूँ, जैसे आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं पूरा, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यूँ करते हैं, दिस इज नॉट द राइट पोस्चर, राइट। तो दिस इज द मूवमेंट। एक्सहेल, श्वास छोड़े बस बाहर की ओर, एंड रिलैक्स। दाएं झुकें, बाएं झुकें, फिर से दाएं और बाएं, चलते जाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और पूरी टीम आपके ऊपर नजर रख रही है।
कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। रुकें एक तरफ और झुकें दूसरी तरफ। वापस फिर से ढीली बंद मुठियां कंधों के आगे भस्त्रिका करेंगे। एंड रिलैक्स। फिर से बता दूं भस्त्रिका में क्या करते हैं हम लोग, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर जाते हैं, मुठियां खुल जाती हैं, एक्सहेल करते हुए कोहनियों को ड्रॉप करते हैं ताकि वो आके रिब केज पे लगे, एक्सहेल हो फोर्सफुली, वैसे इनहेल एंड एक्सहेल इस तरह से करते हैं हम लोग। पैरों को फैला दीजिए, शर्मा जी मेरी फोटो पूरी आ रही है क्या? कल कोई दीदी बोल रहे थे कि छोटी आ रही है, ठीक आ रही है, वो कह रहे हैं जितना साइज में हूँ उतना ही आऊँगा ना, इसे बड़ा कैसे आ जाऊँगा, साबू थोड़ी हूँ चाचा चौधरी वाला। पकड़ लीजिए, और अगर आप यहाँ तक पकड़ पाते हैं, यहाँ तक पकड़ पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पड़ता है जी, का ही फर्क पड़ा है, पकड़ लो बस। अब मेरे को ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती है, काफी लोग जुड़ते हैं ना, कोई कर्नाटका से होता है, कोई महाराष्ट्र से, साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई इज़राइल से है, कोई स्कॉटलैंड से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, पर यहाँ पे सब योगी हैं योगा क्लास में। एंड चेंज नागिन डांस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0. फिर से पकड़ लो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, दैट्स वेरी नाइस। एंड रिलैक्स, चेंज। पैरों को इस तरह से रखें, जिन लोगों को बैठने में दिक्कत हो रही है वो तो यूं बैठ जाएं, और जो लोग कर सकते हैं मुट्ठियां बनाएं, घुटनों के नीचे ले आएं, यूं उठा लें पैरों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। अब कमर को सीधा रखिए, हिप जॉइंट से आते जाइए, आगे 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 एंड झुक जाइए। परफेक्ट, कितना अच्छा किया। तो आप कहाँ तक पकड़ पाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. धीरे धीरे वापस, टांग को मोड़ते हुए इस तरह से जैसे क्रॉस लेग सिटिंग में बैठते हैं, एक को मोड़ें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ते हुए, राइट हैंड से राइट घुटने को नीचे की तरफ दबाते हुए, जितना भी हो अच्छा है। मेरा इतना रहता था शुरू शुरू में, यूँ दबता ही नहीं था नीचे, अभी पता नहीं कैसे कमाल हो गया। तो करते 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 करते, करते
बस अपने आप से ही परफेक्शन आ जाएगा। आप एक्शन करते जाएं, परफेक्शन को ना देखें, एक्शन से ही परफेक्शन आता है। और आदमी परफेक्शन के बारे में सोचता रहता तो एक्शन ही नहीं आता है, क्यों? परफेक्शन कभी आ नहीं सकता फिर एक्शन भी नहीं करता है वो। एंड चेंज। हाँ, टांग मोड़ के इस तरह से घुटने के पास में, फिर हाथ ऊपर और सामने वाले पैर को पकड़ लें एंड से थैंक यू। तो ऐसे अटिका आपके पैर की बड़ी सी नस जो रीढ़ की हड्डी से निकलते हुए पूरे पैर के पंजे तक जाती है, वो आपको थैंक यू बोलने आई है। पता नहीं कितने साल बाद याद किया होगा आपने उसको, नहीं तो 40-50s के बीच में लेडीज़ को डीजनरेशन स्टार्ट होता है तो सियाटिका आंटी याद कर लेती है उनको, कमर दर्द टांग का दर्द स्टार्ट हो जाता है उनको। तो आप चाहते हैं कि फिट रहें तो मूव करते रहें, इट्स सो सिंपल। शरीर की एक ही परिभाषा है, आइदर यूज इट और लूज इट। 30 साल के बाद में हर 10 साल में आपके बॉडी में से मसल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स डीजनरेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप नहीं हिलें जुलेंगे तो और ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता जाएगा। एंड चेंज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सही में आप लोगों के साथ योगा करना मेरा सौभाग्य है, अब तो परम योगी हैं सब लोग। एंड चेंज। हाँ, बस कभी कभी मुस्कुरा के नहीं करते मुस्कुरा के किया करो। चलो बटरफ्लाई बन जाओ, तितली उड़ी। अभी देखो शर्मा जी, पंखे की हवा आ रही है, नहीं आ रही है तितली में से अब तो ये भी हवा तितली वाली भी इतनी अच्छी लगती है ना, जैसे एसी का झोंका हवा का आया होगा कुछ। एंड रुके, श्वास लेते हुए पीछे छोड़ते हुए कोहनियाँ यहाँ लगाएं, पूरा झुक जाएं, दोनों हाथ आगे एंड वापस, पैरों को फैलाएं। एंड चेंज दूसरी तरफ। तो जो घुटना ऊपर वही हाथ पीछे, और आप यूं पकड़ पाते हैं, यूं पकड़ पाते हैं, जितना भी पकड़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे की तरफ यूं, उंगलियां अपनी और अंगूठे अंदर की ओर हों, और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना स्टार्ट करें। ऊर्ध्वमुख दंडासन एंड रिलैक्स। आ जाएं पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएं, छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। पैटर्न्स में ना फंसे, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे। मेरे को खुद को नहीं पता होता मैं क्या करवाता हूँ। फिर पीछे, फिर आगे। रुकें, बॉडी रोटेशन क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाएं, जैसे आपके अंदर माता घुस गई हो सकता है किसी के अंदर पिता भी घुस गए हो, भूत प्रेत घुस गया हो, कुछ भी, मतलब ऐसे गोल गोल घूमते हैं जैसे, वैसे देखा ही होगा नाटकों में, सपने फिल्मों में।
लास्ट राउंड, उसके बाद दिशा बदलें। आपके भीतर और बाहर अनंत तक फैले इस मौन को देखें, इस मौन के एक हो जाएं। फील द साउंड ऑफ साइलेंस प्रिवेलिंग ऑल अराउंड यू इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट इज वेरी डीप एंड वास्ट। मर्ज योरसेल्फ इनटू द साउंड ऑफ साइलेंस। Again and again, remind yourself and bring your awareness to the breath or the sensations right now happening in your body. One more round. धीरे धीरे वापिस और आ जाएं जल्दी से टेबल टॉप पोजिशन में। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मर्जरी आसन करेंगे 5 times, धीमे करेंगे थोड़ा, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, टेलबोन ऊपर। एक्सहेल, चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट, नेबल अपसाइड, टेलबोन डाउन। नाभि को, पेट को ऊपर की तरफ करें, फिर श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, पेट भी नीचे की ओर। एक्सहेल, थोड़ी छाती की ओर, पेट और नाभि को ऊपर की तरफ करें, टेलबोन नीचे। इनहेल, लुक अप साइड, नेबल डाउन, टेलबोन अप। एक्सहेल, चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट, नेबल अपसाइड, टेलबोन डाउन। इनहेल, सर ऊपर की तरफ, श्वास लेते हुए नाभि नीचे, टेलबोन ऊपर। एक्सहेल, लास्ट राउंड। इनहेल, एक्सहेल, एंड बैक टू द सेंटर। राइट हैंड, लेफ्ट लेग बाहर की तरफ निकालें, स्ट्रेट करें, स्ट्रेच करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। एंड रिलैक्स, लेफ्ट हैंड राइट लेग। एंड चेंज, अब दोनों हाथ हवा में, दोनों पैर हवा में, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर पीछे की तरफ आ जाओ शशांक पोज में। धीरे धीरे फिर घुटनों पर, घुटनों से पैर के पंजों पर आ जाएं, शरीर को ऊपर करें, पूरा ऊपर करें, और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं, एड़ियां नीचे लगाएं। अब पैरों को चलाना स्टार्ट करें, कभी एक एड़ी ऊपर उठाएं, कभी दूसरी। वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। And relax.
राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आए और आकाश की ओर देखें, अश्व संचालासन। जो लोग नीचे घुटना लगाना चाहें पीछे वाला लगा सकते हैं, और जो लोग हवा में रख सकते हैं वो हवा में रख लें। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, अष्टांग प्रणाम। भुजंगासन, नाउ ऊर्ध्वमुख स्वानासन, नाउ अधोमुख स्वानासन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट भी आगे, राइट पीछे, लेफ्ट भी पीछे, दंडासन। नाउ अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, अधोमुख, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, ऊर्ध्वमुख, देन अधोमुख, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, अष्टांग प्रणाम, भुजंग, अधो, रुकें। राइट लेग आगे, रुकें कुछ पल। लेफ्ट भी आगे, रुकें। राइट पीछे, लेफ्ट भी पीछे, अष्टांग प्रणाम। लेट जाएं, दाईं टांग ऊपर उठाएं, राइट लेग घुटने से सीधा रखते हुए, सलभासन, राइट लेग, नाउ लेफ्ट लेग, डोंट बेंड योर नी, स्ट्रेच टू द बैक एंड रिलीज। मेक ए फिस्ट ऑफ योर हैंड, टक इट इन योर ग्रोइंस। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए जंघाओं के नीचे दोनों पैरों को उठाएं और फिर स्थिर हो जाएं। स्थिरम सुखम आसनम, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा। आप जो भी कर रहे हैं पूरी अवेयरनेस के साथ करें। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ आगे की तरफ, स्ट्रेच करें आगे की ओर, सुपरमैन पोज, विपरीत सलभासन, सुपर वुमेन, सुपर गर्ल, सुपर बॉय, सुपर योगी, एंड रिलीज। Bend your knees, catch your ankles. अंकल को नहीं, एंकल को पकड़ना है कि अंकल को पकड़ लो। घुटने मोड़ते हुए टखनों को पकड़ें और आ जाएं धनुरासन में। जंघाओं को और थाइज को, चेस्ट को और छाती को उठाते हुए एंड रिलीज।
दाई हथेली जमीन पर, बाई उसके ऊपर और थोड़ी उसके ऊपर रखते हुए विश्राम करें। प्रोन पोजीशन मकर आसन। राइट साइड करवट लें, विष्णु पोज में आ जाएं। थोड़ी सी टांग ऊपर उठाएं 15 डिग्री पे, 30, 45, 90, थोड़ा सा हिलाते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पकड़ लें। जो लोग पकड़ सकते हैं वो पकड़ें टांग को इस तरह से, जो नहीं पकड़ सकते हैं वो मुस्कुराएं, धीरे धीरे टांग को आगे ले आएं इस तरह से सामने की ओर एंड रिलैक्स। टांग को मोड़ लें इस तरह से, अपने पास में रखें। जो घुटना ऊपर की ओर है उसको इस तरह से विश्राम करें और जो टांग सीधी है उसको उठा दें इस तरह से, राज विश्राम आसन, राजाओं की तरह। और नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को देख लें एंड रिलीज रिलैक्स। दूसरी तरफ तो आप सीधा पलट सकते हैं, मैं कैमरे में दिखाई दूं इसलिए साइड बदल रहा हूं। तो थोड़ी सी टांग उठाएं, अब यहीं से ही ऊपर जाएंगे यहीं नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पकड़ें, सामने ले आए। वो परफेक्ट, कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एंड रिलैक्स, घुटने को मोड़ते हुए हाथ को यूं विश्राम की स्थिति में ले आए और टांग को ऊपर उठाएं, राज विश्राम आसन। और राजा यूं लेटके क्यों, सीधा क्यों नहीं लेटते थे वो लोग? देखो कितने हमारे जबरदस्त थे, उन्होंने देखा राजा इस तरह से लेटते हैं तो उसी पे आसन बना दिया, राज विश्राम आसन एंड रिलैक्स। पीठ के बल आ जाएं जी, पीठ के बल। दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं इस तरह से, दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाते हुए एड़ियों में कंधों के जितना फासला, हील्स शोल्डर्स अपार्ट, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड टोज टू द लंबर्स, और पैरों की उंगलियां पैरों के पंजे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए यतिक्ष आसन। इतना अच्छा आसन है ना, आप देखें इसमें आपकी श्वास नाभि से ही चलती है, बेली ब्रीदिंग। आप ना चाहते हुए भी चेस्ट से ब्रीद नहीं कर पाते, लंबा श्वास लेंगे तो नाक से सीधा नाभि की तरफ। और आपकी पूरी बॉडी को रीअलाइन करता है, अगर कोई भी अलाइनमेंट में दिक्कत हो तो उसे सेटल कर देता है। बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे हाथों को थाइज के ऊपर लाते हुए, पैरों को उठाते हुए, सर को दिशा में उठाते हुए, एक ही दिशा में हाथ पैर सर, नौकासन। रुकें एंड रिलीज रिलैक्स। पवन मुक्तासन, राइट लेग दायां घुटना मोड़ें, छाती की ओर दबाएं, धीरे धीरे सर को उठाएं, नाक घुटने की तरफ ले जाएं, मध्य प्रदेश बीच में आए तो मुस्कुराएं एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ, हाँ किसी किसी का मध्य प्रदेश पेट बहुत बड़ा हो जाता है। आपकी दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहे, नाक लगे ना लगे दूसरी टांग सीधी,
and release. Bend your both knees, press towards your chest. धीरे धीरे सर को उठाएं, नाक दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं. एंड रिलैक्स वापस. एड़ियां शरीर के साथ लगा लें, हो सके तो एड़ियों को या टखनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएं. लोअर बैक, मिडल बैक, देन अपर बैक, सेतु बंदासन. एंड रिलीज. धीरे धीरे वापस. सर्वांग आसन करेंगे. धीरे धीरे टांगों को उठाते हुए इस तरह से पीछे सहारा दें खुद को और पैरों को ऊपर की तरफ कर लें. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस. धीरे धीरे वापस. दोनों हाथों को फैला लें कंधों के समानांतर. दायां पंजा बाएं घुटने पे रखें, बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़ते हुए बाईं तरफ दबाएं, खुद दाहिनी तरफ देखें. नटराज आसन विद राइट लेग. नाउ लेफ्ट साइड, प्लेस योर लेफ्ट फुट ऑन राइट नी. Hold your left knee with right hand, press towards right side, look at left. Again right side. Left side. Right side. Natarajasan. Left side. Relax. साइकिल चलाना स्टार्ट करें. आज हम लोग रेस कर रहे हैं और रेस में हमारे साथ हैं टोनू, मोनू, टीटू, स्वीटी, पिंकी, चिंकी, ये सारे हमारे साथ में हैं और वो आपसे आगे चले गए. थोड़ा तेज करें साइकिल को, थोड़ा सा और तेज करें, थोड़ा और तेज. हाथों को भी मिला लें साथ में, सर को उठा लें, गति को बढ़ाएं. ओलंपिक का मेडल आप ही को जीतना है. और तेज, और तेज, और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज. और पेट से हंसें. And relax. फेंक दे साइकिल, जाने दे चिंकू पिंकू सोनू मोनू धोनी, सबको छोड़ दे, विश्राम करें. आंखें पूरी तरह से बंद. शवासन में लेटे हुए अब हम लोग तीन बार नाक से श्वास लेके मुंह से हा की आवाज करते हुए खाली करेंगे.
लंबा गहरा श्वास लें, एक बार फिर से एक्सहेल करते हुए लंबा करते जाएं, पूरी तरह से एक्सहेल करें। वंस मोर, बस अब विश्राम करें, होठों को बंद करते हुए सिर्फ नासिका से ही श्वास लेंगे, नासिका से ही छोड़ेंगे। नाउ वी इनहेल और एक्सहेल ओनली थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। सवासन में लेटे हुए हथेलियां अगल बगल आकाश की ओर खुली हुई, एड़ियों के बीच में कंधों के जितना फासला, पैरों के पंजे विश्राम करते हुए साइड में, गर्दन को ढीला छोड़ दें, पूरी सजगता के साथ एक लंबा और गहरा श्वास लें और उतनी ही सजगता के साथ धीरे धीरे प्रेम से विदा करें। बिना आवाज किए फिर से धीमा लंबा और गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे प्रेम से विदा करते हुए। अपने बिखरे हुए मन को समेटें, recollect your scattered mind and bring your awareness on your surrounding and the sound surrounding you. धीरे धीरे मन को आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाजों की तरफ लेके जाएं। किसी के बातचीत करने की आवाज, आसपास से गुजर रहे व्हीकल्स की आवाज, पंछियों का चहचहाना, जैसी भी आवाज हो, मधुर अमधुर, बस स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट योर सराउंडिंग, डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे खाली करें। ये सारी की सारी आवाजें क्षण भंगुर हैं, क्षणिक हैं। दी साउंड्स आर मोमेंट्री। धीरे धीरे इन आवाजों से परे जो एक परम मौन छाया हुआ है, परम शांति, उसके साथ एक हो जाएं। फील द साउंड ऑफ साइलेंस।
ये सारी की सारी आवाजें उसी परम शांति और परम मौन से निकलती हैं और कुछ देर के बाद उसी गहरे मौन में समा जाती हैं। आवाजें क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, मौन नित्य है, शाश्वत है। सभी आवाजों से परे धीरे धीरे अनंत तक फैले इस मौन के साथ एक हो जाएं, मर्ज योर सेल्फ इन टू द साउंड ऑफ साइलेंस प्रिवेलिंग ऑल अराउंड यू इनसाइड एंड आउटसाइड दैट इज वेरी डीप एंड वास्ट। सभी आवाजों से परे मौन में विश्राम करें, शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स योर होल बॉडी एंड जस्ट बी विद द साइलेंस। शरीर पूरी तरह से स्थिर और शिथिल। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए और गहरे मौन और गहरे विश्राम में चले जाएं। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, खाली करते हुए और गहरे मौन और गहरे विश्राम में चले जाएं।
फिर से लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। धीरे धीरे अनहद नाद से नाद की ओर बढ़ें। शरीर और श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे सजग होते हुए फिर से लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। हाथ और पांव की उंगलियों को जो लोग लेटे हुए हैं दाहिनी ओर करवट लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्न टू योर राइट साइड। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ें प्रार्थना के लिए। मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर और जाने दें। इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। समस्तः सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापिस आते हुए जब भी आप पूर्ण महसूस करें आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच योग और ध्यान करवाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे डे थर्ड पर। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। आपकी वजह से कुछ और लोग मुस्कुरा पाएँ ऐसा ज़रूर करें।